सुधीर राज जी। सुधीर राज जी, जो धम की बात को बताते हैं, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धम आपको भी समझ में आने लगा है कि धम किस तरीके से चल रहा है और क्या है। सुधीर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कारो सभी को। आज एपिसोड हमारा पांचवा है, तो पांचवे पे ये कुछ भी समझिए, तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा समझिए या कुछ भी समझिए, कि पांचवे एपिसोड के हम अंदर हम लोग पंचशील को ले रहे हैं। सुधीर जी, एक बात बताइए, पंचशील का एक झंडा भी हुआ करता है और पंचशील भी एक उसमें माने जाते हैं, तो पंचशील होता क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने पांचवें एपिसोड में पांच सील के बारे में बात रखी और जाननी चाहिए, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पांचवें एपिसोड में और पंचशील के बारे में जानना चाहा। जैसा कि आप जानते हैं, पंचशील यानी कि पाली के अंदर जो अक्षर यानी जो शब्द थे, जो अंक थे, उनमें एक दो तीन ऐसे नहीं थे जैसे आज के समय में होते हैं। वहां शब्दों में लिखे जाते एक अंक दुई तीनी चत्तारी पंच ऐसे करके। तो ये पांच सील का मतलब है कि पांच शील हैं, और सील खाली पांच ही पर नहीं रुके हुए हैं, सील बहुत आगे तक जाते हैं जी, 200 से ऊपर सील हैं। तो मगर पांच सील भगवान बुद्ध ने, और जो उनकी पूरी फिलॉसफी या पूरा उनका दर्शन है या जो पूरी उनकी जानकारी है, उसमें पांच सील ऐसे माने जाते हैं जैसे कोई ईश्वर वाला या कोई गॉड वाला संप्रदाय या उसको मानने वाला लोग अपने यहाँ गॉड की मान्यता रखता है जी। वही स्थान पूरी पाली भाषा में और पूरे मगध में और पूरे जितना भी वो एरिया जहां जहां धम की बात गई और जहां जहां आज तक धम की बात गई है, पंचशील वही स्थान रखते हैं ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति पंचशील का पालन जीवन में करेगा जी, वो गार्डेड है कि वो मोक्ष के रास्ते पे, निर्वाण के रास्ते पे निकल पड़ता है। अपनी लाइफ में कभी विफल भी नहीं होगा, नहीं विफल होगा, कोई उसे परेशान नहीं होगी, और वो निर्वाण को प्राप्त होगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पांच सील बहुत इंपॉर्टेंट जी। और पहले मैं बता दूं आपको सील क्या होता है, क्योंकि हम सील की बात कर रहे हैं। तो ये सील शब्द सील होता है या शील होता है, ये हिंदी में इसको सील कहा गया है, बाद में चेंज किया गया संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत बाद में बनी जी। ये सील होता है, पूरी पाली भाषा में शय शब्द ही नहीं है, विषय वाला भी शय नहीं है और शलजम वाला भी शय नहीं है जी। उसमें संसार वाला शय है जी। तो ये पांच सील है जी। सील बेसिकली कहते हैं जो नियम दिए भगवान ने भिक्षुओं के लिए, उनको मानने के लिए, उनको सील बोलते हैं कि ये नियम है आपको और ये करने हैं। उन नियम को, उन कार्यक्रमों को सील बोला जाता है जी। तो पहला जो उन्होंने नियम दिया वो दिया पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादयामी। पाणाति पाता का मतलब है पाणति पात, यानी कि पाण माने हैं पाली के अंदर प्राण जीवन जी, और पातन का मतलब है उसको गिराना या उसको खत्म करना या उसे मारना जी। तो प्राणी के जीवन को खत्म करना। वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, वेरमणि का मतलब है कि मैं मारने से अलग रहता हूं, व्रत रहता हूं, इससे अलग होता हूं जी। और सिक्खा पदंग का माने है शिक्षा के पद जी, शिक्षा, क्योंकि छह वर्ड जो है वो पाली में नहीं होता, तो आधा के और खे होता, तो सिक्खा बोलते हैं जी। तो सिक्खा आपने पंजाब में देखा होगा, जो सिख लोग हैं वो शिक्षित लोग माने जाते हैं। तो सिक्खा पदंग समाधियामी, सिक्खा के शिक्षा के पद लेता हूं। समाधियामी का मतलब है सम माने बराबर जी। और दियामी का मतलब है आदाती का उल्टा होता है, यानी लेता हूं जी। तो इसका सीधा सा सिंपल हो गया कि मैं किसी भी प्राणी की हत्या ना करने का व्रत लेता हूं, यानी उसका मैं प्रतिज्ञा करता हूं या उसको ग्रहण करता हूं जी। अब प्राणी की हत्या करने के लिए, ना करने के लिए भगवान ने क्यों बोला है, पहला सील है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए है क्योंकि अगर आप मन से किसी प्राणी की हत्या करते हैं तो आपके निर्वाण में बहुत दिक्कत आने वाली है जी। क्योंकि किसी प्राणी की हत्या का जो मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो बड़ा स्थायी होता है, और उस प्रभाव को डिलीट करने के लिए, निकालने के लिए, हटाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी। कर सकते हैं आप, मगर उसमें चूंकि बुद्ध के अभी हम बातें आगे बताएंगे, धम्मपद आगे बताएंगे, उसमें पुनर्जन्म के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट बर्थ के बारे में बताएंगे जी, और पिछले जन्मों के बारे में बताएंगे। तो कुछ दर्शकों को इसमें ऐतराज भी होगा कि भाई बुद्ध की बात में नेक्स्ट बर्थ की बात कहां से आ गई जी, मगर वो साइंटिफिक है जी। और अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो उसे छोड़ दे, जिसमें कोई जिरह वाली बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जितना समझ में आता है उतना ग्रहण कर ले और जितना समझ में नहीं आता है उतना ग्रहण ना करें। तो हत्या का जो इफेक्ट है बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा लगता है,
एक बार बातचीत चल रही थी तो किसी ने कहा कि भाई दुश्मन देश के सिपाही को मारना अच्छा होता है, तो उसमें तो हत्या का कोई असर या हत्या का जो पाप कर्म है वो लगेगा नहीं। तो बुद्ध ने बताया या उनके भिक्षु ने बताया बाद में, उनका ऐसा नहीं है, अगर आपने हत्या की है तो हत्या का असर कहीं ना कहीं जाएगा। सिपाही को जिसको आदेश मिला है मारने का उस पर नहीं जाएगा या कम जाएगा, मगर जिसने आदेश दिया है उस पर ज्यादा जाएगा। वो असर रहेगा जरूर, क्योंकि पृथ्वी पे कोई मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है ही नहीं। अगर लाइनें बनी हैं या आदमी को आदमी के व्यक्ति के आगे खड़ा किया हुआ है तो वो दुश्मन बनाया गया है। ऐसे ही जीव हत्या, कोई भी जीव जो अपना काम कर रहा है वो आपको मारने नहीं आ रहा है, आपको मारने आ रहा है, तो आप अवैध जीवन दान में आप उसकी अगर हत्या करेंगे तो आप पर दोष कम लगेगा। या आपने खाने के लिए जीव की हत्या की और जबरदस्ती आपने दुकान पर जाकर कहा इसको काट दो, इसको मार दो, इसको मुझे पैक कर करके दे दो, तो उसकी जीव की हत्या का दोष आपके ऊपर लगेगा। वो आपको भले दिखाई ना दे मगर उसकी फाइल बन जाती है और वो शरीर के अंदर स्टोर हो जाती है। इसलिए पहला सील बहुत इंपॉर्टेंट सील है। और कहते हैं कुछ भिक्षु कहते हैं कि अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन अपना बचाने में जरूरी होता है। अकारण किया हुआ हत्या जो होता है उसमें मन के ऊपर कोई मैल या पाप बहुत कम या ना भी आता है। दूसरा इसके अंदर जो सील है वो है चोरी ना करना। इसको हम ऐसे कहते हैं या भगवान ने हमें ऐसे बताया है, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। अदिन्न दाना यानी ए दिन बिना दिया हुआ दाना, यानी कि कोई दाना या कोई भोज्य पदार्थ, यहाँ भोज्य पदार्थ या दाने से बात आती है मगर ये सभी के लिए लागू होता है कि अगर किसी ने कोई चीज आपको नहीं दी है तो वो चीज आपको लेनी नहीं है। यानी कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है आपको दी रही है तो आप उसको उठाएंगे नहीं, किसी घर में कोई चीज पड़ी है आपको किसी ने दी नहीं है तो आप उठाएंगे नहीं। यानी चोरी नहीं करनी है किसी भी तरह की, ऐसी शिक्षा मैं लेता हूं और चोरी से व्रत की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये उनका दूसरा सील है जो उन्होंने दिया। और यहां जो आता है तीसरा सील, वो थोड़ा सा बड़ा है मगर बहुत अच्छा है, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। कामेशु मतलब है कि काम में या काम पर, यानी काम वासना नहीं करनी है। मिच्छाचारा का मतलब है कि ऐसा आचरण जो मिच्छा है, मिथ्या है, जो बहुत बेकार का आचरण है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जो जमीन पर नहीं है, जो सत्य नहीं है, ऐसा कोई आचरण नहीं करना है। ऐसी शिक्षा मैं लेता हूं और इनसे अलग रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूं। चौथी आती है मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। मूसा बोलते हैं झूठ बोलने को, और मूसा वादी मतलब जिसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, वादी हो गया है, आदि हो गया है, तो मैं झूठ बोलने की आदत से ना करने का ग्रहण करता हूं शिक्षा, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। और पांचवा है सुरा मेरे मज्जे पमादिठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। जो पांचवा वाला है उसके लिए बताते हैं कि ऐसा कहा गया है कि मनुष्य तुम अगर तुम्हारे सामने कोई तलवार लेके खड़ा हुआ है तो तुम मुझसे मत डरो, अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए और तुम्हें खाने वाला हो तो तुम मुझसे मत डरो, तुम्हारे सामने अगर कोई पहाड़ बहुत बड़ा आ जाए उस पर चढ़ना हो तो उससे मत डरो, मगर अगर कोई नशीला पदार्थ या कोई शराब या कोई ऐसी वस्तु जो आपको मद में डाल दे, अगर वो चीज आती है तो आप उससे घबराओ, उससे कांपो और उससे डरो, ऐसा बताते हैं। क्योंकि सुरा जो होता है वो होता है पेय पदार्थ, पुराने समय में सुरा आपने पेड़ का नाम भी सुना होगा, और मेरे होता है जो ठोस नशीला पदार्थ होता है, जैसे तंबाकू वगैरह जितने भी होते हैं ठोस नशीले पदार्थ, और मज बोलते हैं, मदपान जो बोलते हैं ना, इसको पाली में मज बोलते हैं। मद माने लत लगना, यानी इनकी लत लगना, और पमाद ठाना का मतलब है पमाद में आना, आलस में आना, और आलस में आते हुए लापरवाही करते हुए रहना, यानी मैं इन सबको व्रत रहने की, अलग रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये पांचवा है। ये पांच सील दुनिया में फाइव ज्वेल्स के नाम से जाने जाते हैं, पांच रत्न हैं ये, जो क्या बोलते हैं दुनिया में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। इनसे पहले तीन रत्न आते हैं, तीन रत्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो रत्न हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद। आप थे हमारे साथ सुधीर राज जी, जिन्होंने पंचशील के बारे में इतनी खूबसूरती से बताया कि अगर कोई भी एक बार व्यक्ति इन पंचशीलों की बातों को मान लेता है तो उसका जीवन पूरा आनंदमय हो जाता है। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बुद्ध की बात जन जन तक पहुँचनी चाहिए। सुधीर जी, आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।
Thank you.